بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونحمدك يا ربنا على نعمة الإسلام حمدا وشكرا يليق لجلال وجهك وعظيم سلطانك. حمدا لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة الأمن في البلاد والأمان. والحمد لله على نعمه الصحه والعافيه في الابدان والحمد لله على نعمه العلم والعرفان والحمد لله على مجالس الذكر والعلم والعرفان اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحياء والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من الماثم والمغرم كما نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى دينك وطاعتك اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ديني بهيو اسلامي ماور بهنو ابكي بهي ابو سعيد عنايه الرحمن عثمان غفر الله له وعفى الله عنه जद्दा दावा सेंटर है सलामा ममलकत सऊदी अरब से ऑनलाइन आपसे ख़िताब कर रहा है दीनी भाइयों जैसा कि हमने आपको गुज्त सबका दो दरसों में बताया कि सही बुखारी की किताबलफित शरा दर्स से पहले कुछ तमहिदी जारी हैं उसी सिलसिले की आज ये तीसरी कड़ी है इमाम बुखारी ने उम्मत मुस्लिम को फ़ितनों से आगाह करने के लिए किताबुल फितन लिखा है सही बुखारी में उसमें 101 सौ एक का इंतब किया है जिनमें से इक्यासी हदीसें मुर्र हैं और इक्कीस हदीसें खालिस हैं मरफो अहदीस के अलावा मुख्तलिफ़ क्राम और ताबिन निज़ाम से भी पंद्रह आसार उन्होंने पेश किए हैं सही बुखारी की किताबलफन में उन पर अट्ठाईस अबवाब क़ायम किए हैं जिनको अनावीन कहा जा सकता है जिनमें इन फितनों के इसबाब और उनके वसाइल उनसे बचने की एहतियाती तदाबीर को बयान किया है बहुत जल्द इनशा इसी हफ़्ते किताबुल फ़ितन के अदीस की शरह़ का आगाज़ हो जाएगा तो आज अल्लाह के फ़लोक करम से अब तक हमने फितनों का लगत में माना क्या है फ़ितने का अलफना अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है उसकी जमा अलफितन है और इस्लाम में उसका माना मफूम क्या है तस्वूर क्या है और बहुत सारे फितनों के अनवाह और अकसाम अभी तक हम जान चुके फितने का इतलाक़ कितने अरबी ज़ुबान में कितने मानों पर होता है कितने इसके कितने माने आते हैं उस पर भी बहुत गुफ्तु हो चुकी और फितने का इस्लाम में मफहम और तस्वर क्या है इस पर भी हमारी गुफ्तु हो चुकी फितने के अनवा और अकसाम बत्तीस अनवा और अकसाम का तस्करा आपके सामने मख्तसरा किया गया और अब फितनों से बचने के वसाइल क्या हैं फितने से बचने के इसबा क्या हैं इस पर हमारी गुफ्तु हो रही थी फितने से बचने के लिए पहला सबब आपके सामने जिसको बयान किया गया था वो है दुआओं का सहारा फितने से पनाह मांगना अरे नबी सला ख़ुसूसी दुआओं का अहतम करना फितनों से अल्लाह की तना पनाह तलब करना बंदे का अल्लाह से फितनों के ज़माने में ख़ुसूसन और हर दौर में बल्कि फितने के ज़माने में खुसूसन अल्लाह से उसका ताल्लुक गहरा हो और उससे वो हमेशा दुआ करता रहे तो अल्लाह ताला अपने फ़जल करम से उसको फितनों से महफूज रखते हैं पहले नबी अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई एक दुआ अल्लाबन ने एदबिनफ़तान महार मन मामा बतान इसको हमेशा अपने ज़ुबान पर जारी रखना चाहिए अल्लाह मुझे और आपको मौजूदा दौर के और हर दौर के ज़ाहरी और बातिन फितनों से महफूज़ रखे खुद प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसम को भी अल्लाह ताला ने ये तालीम दी थी कि या तिर्मिजी की रिवायत के मुताबिक जिसको शेख अलबानी ने सही कहा है या मोहम्मद इदा सुलता फकुल्मा सालफ़ैलखरात व तरखल मुनकर

नजात का एक अहम तरीन ज़रिया दुआ है और दुआ कैसे की जाए उसका मसनू तरीक़ा बार बार हमने आपके सामने दावा सेंटर के तलबा के सामने पेश किया है तो सबसे पहले अल्लाह ताला की खूब हमदोसना बयान की जाए पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा जाए फिर अल्लाह की बेहिसाब नेमतों और उसके अफाल पर शक्रिया बजा लाया जाए फिर अपने गुनाहों का एतराब करते हुए अल्लाह के सामने तोबा और इस्तेफार की जाए फिर दुआ का आगाज़ किताब सुन्नत की जामे दुआओं से किया जाए और पहले कुरानी दुआओं का एहतमाम किया जाए फिर पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मासूरा दुआएं अहादिश में सही अहाद से साबित हैं उनका अहतमाम किया जाए दुआ के अख्ताम पर भी अल्लाह की हमदना बयान की जाए दुआ के अख्तित पर भी पैर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरुद सलाम भेजा जाए ये सात स्टेप हैं मरहले और इनका अहतमाम करके इन आदाब का लिहाज करके आप दुआ करेंगे तो इन दुआ के जो मौाने हैं दुआ की कबूलियत के, के मौने क्या हैं अहम चीज़ कि कत रहमें की दुआ ना की जाए किसी गुनाह करने के ताल्लुक़ से गुना दुआ ना की जाए और इसी तरीक़े से दुआ का एहतमाम करने से पहले कस्बे हलाल और अकल हलाल का कामाम किया जाए तो दुआ की कबूलियत के अवकात और अहवाल का ख़ास लिहाज रखा जाए फिर दुआ की जाए फितनों से बचने के लिए दूसरा उसूल हमने ये बयान किया था कि फितनों के दौर में मुसलमान को पर साबित कदमी और मुस्तकिल मिजाजी से कायम रहना चाहिए अकीद तोहेद ही हर आजमाइश और हर फितने से बचने का एक अहम तरीन जरिया है फिर किताब तो सुन्नत को मजबूती से थामना ये तीसरा उसूल है कुरान हदीस की पाबंदी इख्तलाफ़ के दौर में फितनों के दौर में तो सुन्नत का अहमाम बिदातों से इजतनाब ये भी एक असूल है चौथा फितनों से बचने का रास्ता वसीला और असूल ये है कि आदमी अहल इल्म से तल्लक रखे अपने आप को अहल इल्म से जोड़े रखे आज बहुत सारे लोग उल्मा से बेनियाजी का की बात करते हैं बल्कि लोगों का मिजाज खूस नौजवानों का मिजाज जो अंग्रेज़ी तालीम याफ़्त नौजवान हैं वो उल्मा से बेनियाजी की बात करते हैं उनका मिजाज ही बना ऐसा बना हुआ है तो ये उन्हें ये मिजाज उन्हें ले डूबेगा तो इसलिए मेरे भाइयों हमेशा अहले इल्म से ताल्लुक़ रखें जहाँ कहीं कोई किसी फतवे की ज़रूरत हो तो अहले इल्म से राबता करके उनसे फतवा दरियाफ़्त करें गोगिल से फतवा ना लें गिल में सही मालूम भी हैं गलत मालूम भी हैं आपके लिए गुमराह करने वाली मालूम भी हैं गोगिल में गोगिल कोई अथेंटिक मजदर और मर्जा नहीं है इल्म का सही मजदर और मर्जा किताब किताबत है किताब किताबत अपने असली ममबा और सही शक्ल में हमारे पास ये सरचश्मा मौजूद है किताबी और, और कुरान पा की तफसरें सलफ़ के मनहज पर लिखी हुई और उन तफसरों को समझने वाले और समझाने वाले भी मौजूद हैं इस रोए ज़मीन पर और से रताता आज बहुत आसान हो चुका है उनके टेलीफ़ोन का हसूल भी बहुत आसान हो चुका है तोमा हमेशा अहल दानाई से मसाइल को समझाने की सलाहियत रखते हैं और अंजाम क़ार भी नतज पर भी किसी भी चीज़ के नतज पर भी उनकी गहरी नज़र होती है इसलिए रामा हजरात से दीनी सीख क्योंकि उन्होंने दीनी को सीखने और सिखाने में एक ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा सर्व किया हुआ होता है दिन रात को एक किया हुआ होता है बचपन से लेकर उनकी मौजूदा उम्र तक उन्होंने दीन की खिदमत की होती है किताब सुन्नत को पढ़ा होता है उसका गहरा इल्म होता है तो फितनों के दौर में लोग मामलात को अपने के हवाले कर दें तो फितनों से महफूज रह सकते हैं फितनों के ज़माने में पाँचवा असूल फितनों से बचने के लिए पाँचवा उसला पाँचवा सबब कह लीजिए दीन इल्म का हसूल है इल अल्लाह की तरफ से मिलने वाला नूर है बंदे को उसके सीने में उसके दिल पे ये नूर अल्लाह ताला की तरफ़ से उतारा जाता है फितनों के तारीख़ रास्तों को ये नूर रोशन करता है जबकि इल्म के मुकाबले में जहालत ही है और जहालत तारीख़ी है जो इंसान को तबाही के गड़े में फेंक देती है अल्लाह ताला का इरशाद है सूर तौबा की आयत नंबर एक सौ बाईस मेंलिय نفر من كل فرقة منهم طائفة लिया तफक् द्दीन वली उन् दिर खो महमीदा र जाओ वली उन्द्र कौ महमीदा र जाओ इम लम यखदर फिर ऐसा क्यों ना हुआ कि हर गुरु में से कुछ लोग दीन में समझ पैदा करने के लिए निकलते ताकि जब वो उनकी तरफ वापस लौटते तो अपने लोगों को बुरे अंजाम से डराते इस तरह शायद वह बुरे कामों से बचे रहते दीनी भाइयों इस्लामी माँ और बहनों नौजवानों आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की का दौर है और खसूस सोशल मीडिया के ज़माने मेंमा कराम से बेनियाजी का मिजाज आम होता जा रहा है बल्कि हो चुका है से बेनियाजी के मिजाज खूब परवान चढ़ चुका है बहुत से लोग खूस बहुत से नौजवान अपने अंजाम से बेखबर गूगल ही से हर कस्म का इल्म हासिल करने को तरजीह दे रहे हैं फतवा तलब करना है गूगल पर सर्च कर लो किसी आयत की शराह देखनी है गूगल पर सर्च कर लो किसी हदीस की तखरीज करनी है गूगल पर सर्च कर लो सब कुछ मालूम हो जाएगा मेरे भाइयों, उलमा की जो नज़र जो बारीक बीनी दिक्कत नजरी के साथ उनको दीन की जो सही समझ तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अच्छी तरह सुन लें अगर किसी बंदे को दीन का सही इल्म मिल रहा है मैं कह रहा हूँ सही इल्म। दीन का इल्म तो बहुत से लोगों को है लेकिन उस इल्म के ज़रिए से वो जहालत को, आ, को आम कर रहे हैं बिदात और खुराफात फैला रहे हैं गुमराही फैला रहे हैं लेकिन दीन का सही किताब सुन्नत की सही समझ इल्म हासिल होना बहुत बड़ी नेमत है और उस इल्म की सही समझ अगर किसी बंदे को मिलती है तो वो उससे भी बड़ी नेमत सलफ़ सालीन की समझ के मुताबिक अगर कोई कुरान और हदीस को समझ रहा है बहुत बड़ी नेमत है और कुरान और हदीस का इल्म इलमा के सामने बैठ के हासिल किया जाता है मोबाइल टेक्नोलॉजी से नहीं कंप्यूटर के जरिए से नहीं लैपटॉप के जरिए से नहीं गूगल में सर्च करने के जरिए से हासिल नहीं होता उल्मा के सामने बैठ के उल्मा की मजलिस में हाजरी देने से हासिल होता है और इल्म के केसूल के लिए आदमी अपनी सारी तोानाइयाँ सारी जहनी क़वतें जहनी और खुदादा सलाहियतें सर्फ करता है तो थोड़ा सा इल्म हासिल होता है तो मेरे भाइयों उल्मा ने फना की हैं तब उन्हें कुछ हासिल हुआ है और कुछ इस तरह की बातें में सुनने में आती हैं कि अब हिंदुस्तान में कोई ठोस बड़ा आलम दीन मुफसर कुरान महदस ज़मान नहीं है आजकल के नौजवान इस तरह की अपनी मजलिसों में गुफ्तू करते हुए सुने गए तो मेरे भाइयों, आजकल जो नए नए फितने सर उठा रहे हैं जिस तरह इस्लामी तलीमत के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा किया जा रहा है आए दिन शुकों को शुभात पैदा करके नई नस्ल को दीन से बेजार करने की मजमूम कोशिश की जा रही है आलमी पैमाने उलमा से बेनियाजी का जो मिजाज लोगों के अंदर पैदा किया जा रहा है ये दुश्मनों की एक साजिश अगर न भी हो तो मिजाज मिजाज तो इस वक्त बन चुका है अक्सरियत का इसको बदलने की ज़रूरत से रबता रखने की ज़रूरत उनसे जुड़े रहने की ज़रूरत किताब सुन्नत की जहाँ हकबात होती हो दीनी मजलिस होती हों दीन के दरस होते हैं वहाँ पहुँचने की ज़रूरत उन दरसों में हाजिरी देने की ज़रूरत फितने से अगर आप अपने आप को महफूज रखना चाहते हैं तो इल्म एक बहुत ही मजबूत हथियार है जो जदीद फितनों से बचने में मददगार साबित हो सकता है कौन सा इम शर इम गोगिल से हासिल किया हुआ इल्म नहीं शर बहुत बड़ा खैर है जो इज़्ज़त अपने फ़जल करम से जिसे चाहता है अता फ़रमाता है अल्लाह का फरमान है सूरह बकरा में तिलकमत मैश उ तिलमत फ़कत मा खेरा इल्ला उलुल उलब रब करीम जिसको चाहते हैं फ़हमत इल्मा करता और जिसे हिकमत व दानाई दी गई बसरत अता की गई तो तो गोया से बहुत बड़ी खैर और भलाई मिल गई तो तो लिहाजा हमारी अपील है तमाम मुसलमानों से खूस नौजवानों से कि किम शरी शर इल्म की तरफ तोज्जो कीजिए खुद भी शरीयत का बुनियादी इल्म हासिल कीजिए और अपने तमाम बच्चों को भी इस इल्म के जेवर से आरस्ता कीजिए ख़ुद भी जदीद फितनों से बचेंगे और नई नस्ल को भी उनसे महफूज रखेंगे अब एक सवाल ये पैदा होता है कि शर इम किससे हासिल करें और क्यों ये बात इनत अहमियत के हामिल है कि शर हरकस हरकस व नाकस से नहीं हासिल किया जा सकता शर इल्म काबिल अहतम साहदा सलेह सलीमुलमनहज मायाम से ही हासिल किया जा सकता है जिनके पास और सुन्नत का ठोस इल्म हो न कि उन लोगों से जो कल तक सिंगर बने हुए थे गाने गाते थे और आज स्कॉलर बनकर टीवी स्क्रीन पर मुफ्ती और मुबलिक बने बैठे हैं नहीं उन नाम नहाद से जो कुरान और कुरान मजीद की एक आयत भी सही तरीक़े से नहीं पढ़ सकते ना हदीस रसूल का उन्हें कोई ठोस इल्म है नहीं ऐसे लोगों से जो कि सुनी सुनी बातें बातें करते हैं सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई झूठी और मन मंगड़, घड़त रिवायात को बयान करते हैं और हदीसों को बयान करते हुए सही और ज़यीफ़ का कोई की तमीज़ नहीं कर पाते ना हदीस की तखरीज का मादा उनके पास है न कुरान मजीद को समझने के असूल और उसूल से वो आरास्ता हैं तो मेरे भाइयों फितनों से बचने के लिए कुरान और हदीस का सही इल्म हासिल करना बेहद ज़रूरी है आपके पास किताब सुन्नत का ठोस इल्म होगा तो उसकी रोशनी में आप अपने आप को फितनों से महफूज रख सकेंगे सही बुखारी में इमाम बखारी रहा ने एक हदीस किताबुल इल्म में हदीस नंबर सौ है इसका हदीस ज़िक्र किया है نقل فرمايه حديث كراوية ذات عبد الله بن عمرو بن عاصم وكتب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم لم يبقي عالما यद नन्नासर ओसन जो हला फ़सल फाफतो ब़ैर फ़दल्लु अदल्लू अल्लाह तौल इलम को इस तरह नहीं उठाएगा कि उसे बंदों के दिलों से खींच ले बल्कि वह की अरवाह को कब्ज़ करके को उठाएगा यहाँ तक कि जब किसी को बाकी नहीं छोड़ेगा तो लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे चुनाच उनसे सवाल किया जाएगा तो बग़र इलम के फतवा देंगे इस तरह वह ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे एक और अहम बात की तरफ़ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहूँगा खूस मेरे नौजवान भाइयों आजकल बाज़ लोग क़राम को हक़ीर समझते हैं और उनकी तरफ रुजू करना अपनी तोहैन तस्वर करते हैं और उनको मुख्तलिफ़ कस्म के अलकाब से नवाजते हैं ये हमारे शरीय और दीन के के मुनाफी है अरे नबी अलैहि वसल्लम ने मुस्नद अहमद और मुस्तरक हाकिम की एक रिवायत इसको शेख अलबानी ने सै जामे में पाँच हज़ार चार सौ तिरयालीस नंबर पे जिक्र किया है और सही है तरगीब की हदीस नंबर एक सौ एक है हज़रत बिन मालिक इस हदीस के वो कहते हैं कि कला रसूल लाही सल वसमिन उम्मी मल मूज खव्यारणा वयरहम सगैराना व्याफ लालम हक़ का वो शख्स मेरी उम्मत में से नहीं जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों का अहतराम न करे हमारे छोटे बच्चों पर तर्स न खाए हमारे आलम के हक़ को ना पहचाने आलिम और का सबसे पहला हक तो यही है कि हम उनका एहतराम करें उनकी इज़्ज़त करें उनकी तज़ीम और इजलाल करें और उनको अच्छे अल्फाज से याद करें और उनके इल्म की क़दर करें उनकी मजलिसों में हाजिरी देकर उनके इल्म से इस्तेफादा करें और माँ के हकूक़ के तल्ल से बातें बहुत हैं वो यारिफ़ आरिफअ आलमिन हक तो बहुत सारे लोग आज गूगल के ज़रिए से इल्म हासिल करते हैं गूगल सही इल्म की तरफ भी रहनुमाई करता है और ग़लत की तरफ भी हक़ की तरफ भी और बातिल की तरफ भी लिहाजा जो लोग गूगल के ज़रिए से सेल हासिल करने वालों से हमारी गुजारिश है वो इलम के हसूल के लिए गूगल से मदद ज़रूर लें ज़रूरत के वक्त लेकिन सिर्फ़ उन वेबसाइट से जिनका मनहज बिल्कुल वाद है जिनका अक़दा आप जिनके अक़दे के बारे में आपको सही इल्म है कि ये सही, सही। सलीमुल सलीमालमनहज लोग हैं और उन वेबसाइट पर बहुत सारे वेबसाइट के नाम तो ऐसे अट्रैक्टिव जाजिब नज़र और आ, इस्लामी नाम होते हैं लेकिन जब आप उन वेबसाइट के अंदर दाखिल होके बहस करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि किसी कादियानी का वेबसाइट या किसी क्रिश्चियन का वेबसाइट उसके बनाने वाले उस पर उस पर काम करने वाले लोगों के नाम भी मूसा ईसा हारून जैसे नाम होते हैं और मुसलमानों के जैसे नाम होते हैं लेकिन किरदार उनका इस्लाम के खिलाफ इस्लामी तलीमत के खिलाफ गलत प्रोपगंडा करना होता है शकों को शुभात पैदा करना होता है और बहुत सारे लोग तहक़ीक के नाम पर सर्च करने के बहाने वेबसाइटों को गूगल से जब वो बहस करने शुरू करते हैं तो ऐसे ऐसे वेबसाइट पर जब जाते हैं और वहाँ से शिकोक व शुभात लेके वापस होते हैं तो उनका दीन उनका अकीदा, उनका ईमान खतरे में पड़ जाता है तो इसलिए मेरे भाइयों अहले हक़ काबिल अतम साहदा सलीमालमनहज माय किराम से इल्म हासिल करें फितने से महफूज रहने का एक छट्टा उसूल मुसलमान मुसलमानों की जमात में शामिल रहना और तफरका बाजी या फिर वारियत से इजतनाब क्योंकि तिर्मिजी की रिवायत में है शेख अलबानी ने उसको सही कहा है हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास उसके रावी हैं वो कहते हैं कल रसूल सल्हु वसम यदुल्ल मालजमा जमत पर अल्लाह का हाथ होता है फ़ितने उसे बचने का एक मौसर ज़रिया मुसलमानों की जमात से के साथ रहना चाहिए जमात से अलग होने वाला शख़्स शैतान का शिकार हो जाता है जैसा कि भेड़िया उसी बकरी को शिकार करता है जो रेवड़ से अलग हो जाती है तो इंसान को चाहिए कि हमेशा वो इलाफ और इंतशार से हर मुमकिन तरीके से दूर रहे क्योंकि इख्लाफ फसाद की जड़ है और इज्तमीत अल्लाह की रहमत है जमात की बरकत से बाह में रबता मजबूत होता है फितना फैलाने वाले को फितना और शर फैलाने का मौका नहीं मिलता इज्तमीत के नतीजे में मुखालफन पर धाक और हैबत भी बैठ जाती है तो प्यारे नबी सल्लाम के इस अरसात को हमेशा अपने इस शादिक ग्रामी को अपने नज़रों में रहना चाह रखना चाहिए यदुल्ल ही जमा। सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये रिवायत कुछ अल्फाज के इख्तलाफ के साथ दोनों रिवायत में अल्फाज का थोड़ा सा इख्तलाफ है सही बुखारी में इस रिवायत को इमाम बुखारी ने किताबुल किताबलमनाकब फिल इस्लाम नबी अकरम वसल्लम के मौज़ों और नबूत की निशानियों के बाब में बयान किया है और फितन में भी उसको इमाम बुखारी ने बयान किया है और फितन में किताबुलमनाकब में उसका नंबर है तीन हज़ार छः सौ छः और में सात हज़ार चौरासी सदीस का नंबर है हज़रत बिन अलीमान कहते हैं كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنوا قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت بعد ذلك هل فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة الى ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني ان ادركني ذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت فان لم يكن لهم جماعه ولا امام قال فاعتزل تلك الفرق كلها قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض بأصل شجره योदरी का कलमोत व अनत आला दालिक बखारी के अलफ़ सै मुस्लिम में यही रिवाज कुछ इख्लाफ अलफा के साथ मौजूद है हजरत हुज़ैफ़ा बिन यमान बयान करते हैं कि लोग आम तौर तो पर रसूल सल्ला वसलम से खैर के बारे में सवाल करते थे और मैं आपसे शर के मुतालिक सवाल करता था क्योंकि मुझे इस बात का अंदेशा रहता था कि मैं शर में मुबला ना हो जाऊँ चुनाच मैंने कहा अल्लाह के रसूल हम जाहलीत और शर में आ, के ज़माने में थे अल्लाह ताला ने हमें इस खैर यानी इस्लाम से मुशर्रफ़ किया तो क्या इस खैर के बाद भी कोई शर आएगा मुस्बिल में मुस्बिल करीब में आबाद में तो प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम हाँ मैंने पूछा क्या इसके बाद कोई खैर आएगा आपने फरमाया हाँ इसमें खदूरत होगी तो मैंने कहा कदूरत से क्या मुराद है उमा दखनू तो आपने फ़रमाया ये सही मुस्लिम के अल्फाज हैं कौमय यब सुन्नती व यदून अभी गयदी तारीफ व मिनहुमतन ऐसे लोग आएंगे जो मेरे तरीक़े को छोड़ कर दूसरे तरीक़े पर चलेंगे मेरी सीरत और सुन्नत को छोड़ कर किसी और की सीरत और सुन्नत से रहनुमाई लेंगे तुम्हें तो उनकी बात बातें अच्छी लगेंगी और बात बुरी भी लगेंगी फिर मैंने पूछा क्या इस खैर के बाद भी कोई शर आएगा आपने फ़रमाया बिल्कुल हाँ नाम दुआत नलाबुआ भी जहन्नम मनाजाबह मिलफ़ोफ़िया कुछ दाई ऐसे भी होंगे जो जहन्नम के दरवाज़ों की तरफ बुलाएंगे जो भी उनकी दावत को कबूल करेगा वो उसको उसमें घिरा देंगे मैंने कहा अल्लाह के रसूल उन जहन्नम की तरफ दावत देने वालों की सिफात क्या है वो बताइए आपने फ़रमाया हम जिल्द तिना व्लम नबालसना तना वो लोग हम ही में से होंगे हमारी ज़ुबान में बात करते होंगे मैंने कहा अल्लाह के रसूल अगर वो ज़माना मुझ पर आ गया या उस जमाने को मैं पा गया तो आप मुझे क्या मशवरा देते हैं आपने फ़रमाया थम जम थलमसलिमिन व इमाम तुम हर हाल में मुसलमानों की जमात और उनके हुक्मरान से वस्ता रहो मैंने कहा अगर मुसलमानों की जमात उनका हुक्मरान न हो तो फिर क्या करूँ आपने फ़रमाया फातज़ अल्थिलकल फ़िरक खुल रहा वंत अव्वला असली शजारत ख़त उद्रिकल मौत वंत अलाख तुम उन तमाम फ़िरकों को छोड़ देना खा तुम्हें दरख्त की जड़ें क्यों ना चबानी पड़ी यहाँ तक कि तुमसे उसी हालत में तुम्हारी उसी हालत में मौत आ जाए तो इस हदीस से मालूम ये हुआ कि फितनों के ज़माने में फ़ितनों से बचने के लिए मुसलमानों की जमात से वाबस्ता रहना चाहिए और मुसलमानों के जमात से इज्तमी में बड़ी खैर बरकत है जमात पर अल्लाह का हाथ है जमात से पर अल्लाह जमात को अल्लाह की तायद हासिल होती है और इख्लाफ और इंतशार और इफ्तराक से फिरका वारियत से शैतान को मौका मिलता है शर और फितना फैलाने का इसलिए मेरे भाइयों मुसलमानों की जमात और किताब सुन्नत पर जो कार कारबंद है उसके मनहज को अपनाइए और किताब सुन्नत पर चलने वाली जमात का साथ दीजिए

और मुसलमानों की जमात में बहरहाल शामिल रहना और उनकी जमात को लाजिम पकड़ना क्योंकि उनकी दावत उन सब को मुफीत होती है जैसे एक दीवार उनका इहाता करती है उसी तरह उनकी दावत जो कि उसात इस्लाम भी है इन सब का अात किए उन्हें फ़िरक़ाबंदी से महफूज रखती है इसलिए उनकी जमात के साथ मिलकर रहना अशद ज़रूरी है कि सुना निबिन माजा की रिवायत है इसको शक अलबानी ने सही कहा है मुसलमानों की जमात से अलग होना किस कदर ख़तरनाक है उसका अंदाज़ा आप इस हदीस से कर सकते हैं जिसके रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास व बयान करते हैं कहते हैं कि मन रा मिन अमीर ही शै अन ये सही मुस्लिम की रिवायत है मन रा मिन अमीर ही शै अन यक राह हो फसबर आलै फ़ैनऊन फ़ारक फ़मात इल्ला मात मीतत जाहिलियतन जो शख्स अपने हुक्मरान से कोई ऐसी चीज़ देखे जिसे वो नापसंद करता हो तो उसे सब्र करना चाहिए क्योंकि जो आदमी जमात से बालिश भर भी अलग हो और उसी हालत में उसकी मौत आ जाए तो उसकी मौत जाहिलियत की मौत होगी तो इसलिए मेरे भाइयों फितनों से बचने के लिए हमेशा याद रखिए मुसलमानों की जमात के साथ जुड़े रहना चाहिए फितनों से बचने का एक अहम असूल और वसीला फितनों के अयाम में खुसूसी तौर पर अपने आप को इबादत इबादतों में मशगूल रखना है सही मुस्लिम की एक रिवायत के अल्फाज हैं अल फिल हरज का हजरतिन इलैया फितनों में इबादत करना ऐसे है जैसे मेरी तरफ हिजरत करना यानी जब फितनों का दौर दौरा हो हर तरफ कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म हो हक बातिल में आमेजश की जा रही हो लोग इंतहा मतरब और परेशान हो, हर तरफ़ झूठ की नशर इशात हो तो ऐसे हालात में कमी लोग अल्लाह की इबादत की तरफ मुतव होते हैं चुनाच अवामन्नास की गफलत के दौरान जो शख्स इबादत में मशगूल होगा वह यकीफनऊर्से महफूज रखेगा उसकी सबसे बेहतरीन सूरत यही है साथियों के आप अपने लिए अपने अवात को अच्छी तरीके से मुनज़म करें इबादतों के लिए काम काज के लिए काम काज के दौर, दौरान में अपने काम से काम रखें और जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखने की कोशिश करें आदमी खैर के हसूल की खातिर सोशल मीडिया का जब रुख करता है तो इस खैर के बीचों बीच भी शर के बहुत सारे फितने और शर के बहुत सारे दरवाज़े खुलते रहते हैं मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया पे परमा की जो तकारीर हैं बयानात हैं ज़रूर सुने लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत की तरफ़ ध्यान दीजिए उसका तर्जमा और तफसर पढ़ने की तरफ़ ध्यान दीजिए प्यारे नबी वसल्लम रोज़ाना भले आपको दो चार आयतें ही सही तर्जमा तफसर के साथ पढ़ने के बाद उसमें तदब्बर करने की कोशिश करें उससे उस, उस पर अमल करने की नीयत से मुझे इस इन आयतों में क्या पैगाम दिया गया है हमें इन आयतों में क्या मैसेज दिया जा रहा है उसकी तरफ तवज्जो दीजिए आपको व्हाट्सअप पर कोई मैसेज आता है तो नींद खुलती है तो सबसे पहले आपका हाथ अपने मोबाइल की तरफ जाता है तो इसके बजाय आप जब नींद से बेदार हों तो पहले अलहद आफ़ानी अलहमदिल्लाद रद्द रूह व आफ़ानी फ़ी जसदी ये दुआ पड़ी अल्हदल्लाद अखियाना बदम अमातना वो लिन्नसूर ये दुआ पढ़ें अल्लाह का ज़िक्र करें वज़ू करके कुरान मजीद की तिलावत करें तफसीर पढ़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ाना चंद हादिस का मुताला करें सीरत का कोई चैप्टर पढ़ें अकीदे का कोई सवाल पढ़ें उसका जवाब सीखें तो इस तरह से अपने आप को ये ये तमाम चीज़ें इबादत शुमार होंगी अगर आपने अपनी नीयत सही तरीक़े से दीन का इलम हासिल करने के नीयत से आपने अगर ये कोशिश जारी रखी तो ये इबादत है ये ज़िक्र है सुबह के अजकार कामाम कीजिए शाम के अजकार कामाम कीजिए नमाज के बाद के अजकार का खूस एहतमाम कीजिए इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ दुआएँ हैं प्यार नबी सल्लाम और फितनों के ज़माने में फितनों से बचने के लिए जो पेरेंटी वसम ने दुआएं सिखाई हैं उन तमाम दुआओं को तर्जे के साथ याद करके उन दुआओं का अहतमाम कीजिए तो इस तरह से हम फितनों से महफूज रह सकते हैं फितने से महफूज रहने का एक अहम वसीला तकवा और तहारत और पाकिजी की ज़िंदगी भी है मेरे भाई तकवा क्या है रब्ज़त के अजाब से डर की वजह से उसके रसूल की नाफ़रमानी डर की वजह से उसकी और उसके रसूल की नाफरमानी ना करें अपने दामन को गुनाहों से बचाएं और अल्लाह के अहकाम की बजावरी में पसोपेश न करें बल्कि फौरन अल्लाह के अहकाम की बजावरी करें यही तकवा है अल्लाह के फजल करम से आप इतने से महफूज़ रहेंगे कुरान मजीद में बेशुमारायतों में अल्लाह ताली ने हमें इस जानिब हमारी तवज्जो मफजूल फ़रमाई है या अयोह लदीन सूरह अनफाल की आयत नंबर उनतीस में अल्लाह का फरमान है या अयोह लदीन आमन तक एजालकुम फ़ुर्क़ानन अनकुम कफ़ फिर कम सयात कम वुरुम व्लफल आदिम ईमान वालो अगर तुमने तकवा इख्तियार किया अल्लाह तुम्हें हक बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली वत फहमो बसरत अ फ़रमाएगा क़त अता फरमाएगा तुम्हें हक बातिल में फ़र्क करने की आ, ताकत अदा फरमाएगा इल्म फरमाएगा तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाएगा तुम्हारी पे पर्दा डाल देगा पर्दा पोशी करेगा अल्लाह अल्लाहायत अज़ीम फजल अला सूर्य तलाक़ में भी अल्लाह ने फ़रमाया उमै तक है जल्ला मखरजा वर्ज़ुकमिन जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क आता फरमाता है जहाँ से उसे गुमार भी नहीं होता कभी तवक्ल आसब और जो अल्लाह तला पर भरोसा और तवक्ल करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है तो क्या है मेरे भाइयों? दफ़े मदरत और जलब मनफ़ात जलब मनफ़ात और दफ़े मदरत में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को नफ़ा और नुकसान का मालिक समझते हुए अल्लाह ताला आ, के अलावा ग़ैरुल्ला का खौफ दिल से खुरज के निकालने का नाम तो है इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई भी नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं मेरी और आपकी ज़िंदगी का हकीकी मालिक अल्लाह ताला है मौत हयात का खालिक मालिक और हमारे जिंदगियों का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है वही हमारा रज्जाक है और रज रसान है तो किसी और का खौफ दिल में लाना ये तोल के मुनाफी है तभी बहुत सारे तभी खौफ हैं वो बात अलग है लेकिन किसी इंसान के बारे में तसुर करना कि सब कुछ वो हमारा करता है, धरता है नहीं अल्लाह ताला के सिवा सब कुछ करने के ताकत क़वत कुदरत सिर्फ़ अल्लाह ताला के है फितनों से महफूज रहने के लिए एक बुनियादी असूल ये भी है कि हम हर हालत में तकवा इख्तियार करें अल्लाह की रहमत की उम्मीद करते हुए उसके अजाब से डरते हुए वही इलाही की रोशनी में उसके अहकाम पर अमल करना गुनाहों को छोड़ देना ये तकवा कहलाता है तकवा किसी दा, जुबानी दावे का नाम नहीं किसी खूबसूरत पगड़ी को पहन के जुब्बा कुब्बा शेरवानी पहन के हाथ में हज़ार दाने वाली तस्वीर लेके तस्बी पढ़ते हो बैठने का नाम नहीं करजा रहात में अपने कस्ब हलाल के लिए निकलते हुए भी हलाल कमाई का अहमाम करना अकल हलाल का कामाम करना अपने आप को गुनाहों से बचाते हुए अपने दामन को गुनाहों से बचाते हुए अल्लाह के अहकाम की पर अमल पैराई करना यही तकवा है मेरे भाइयों फ़रज़ व वाजिबात को बजा लाने वाला माँ से और मुकुना से बचने वाला फ़ितनों से महफूज रह तो तकवे की ज़िंदगी गुजारने वाले को अल्लाह ताली हक़ और बातिल में तमीज़ करने की ताकत और क़वत अता फ़रमाते फितनों से बचने के लिए कसरत से तोबा और इसतवार ये भी एक असूल है सूर्य में अल्लाह ने फरमाया माख्याल्लाब हम वन तफ़ी हम आप जब तक उनके दरमियान मौजूद हैं अल्लाह उन्हें अजाब देने वाला नहीं और मान अल्लादब हम वहम इसफ़िरन और अल्लाह ऐसे लोगों को भी अजाब देने वाला नहीं जो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं तो जब तक आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं तो अल्लाह ताला अजाब का कि आजमाइश यहाँ पर नहीं आई मुसीबतों से बचने के लिए इस्तिग़फ़ार एक ढाल है सूरह सुरान की आयत में अल्लाह के इस फरमान से मालूम हुआ कि अल्लाह के, के अजाब से उसके आजमाइश से बचना है तो इस कसरत से तोबा और इस्तफार कातमाम करें जहाँ गुना वाक़ हो गया अल्लाह से तोबा करें और अगर इस गुना का ताल्लुक किसी इंसान के हकूक़ से है तो उस हमसे किसी के हक तलफी हुई है तो उस, उस हक़ को जल्द से जल्द लौटा दें उसको अदा कर दें फ़लोलाज्जा अहम बाः सुना तदर्रा हो वाला किन कसर कुलूब हम वजैन शैतान उम खान्यालुम फिर जब उन पर हमारा अजाब आया तो वह क्यों न गिड़गिड़ाए यानि क्यों न अल्लाह की तरफ़ रजू किया क्यों न माफ़ी मांगी मगर उनके दिल तो और सख्त हो गया और शैतान ने उन्हें उनके अमाल खूबसूरत बनाकर दिखला दिए लिहाजा मालूम हुआ कि फितनों के दौर में मुसलमानों को शिल से अल्लाह की तरफ़ रजू करना चाहिए अपने तमाम गुनाहों के सामने अपने तमाम गुनाहों पर उसके सामने नदामत और शबंदगी का इज़हार करते हुए उससे माफ़ी मांगनी चाहिए यूँ अल्लाह ताला उन्हें अपने फ़जल करम से फ़ितनों के शर से महफूज रखेगा फितनों से बचने के लिए एक अहम असूल अपने अवकात को नफा बख्शमूर में मशगूल करना है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने अब्बास की एक रिवायत में जिसको मुस्तदरक हाकिम में और सै तरगिब में भी इमाम शख़ल ने जिक्र किया है और सै जामे में भी रिवायत मौजूद है आपने फरमाया एक आदमी को नसीहत करते हुए फरमाया एक तनीम खमसन कबल खम्स शबाब काबल हरमिक वसहात काबल सकमिक व गना काबल फ़कर व फ़राग़ काबल शगलिक वयात के कबल मौतिक अपने जवानी को बुढ़ापा आने से पहले पहले गनीमत समझो जवानी इंसानी ज़िंदगी का नहाय कीमती मरहला होता है इस उम्री मरहले में आदमी बहुत कुछ कर सकता है जवानों ही में इनकलाब किसी भी माशरे में इनकलाब लाने की कीवत होती है वो सेहत का काबल सकमिक बीमारी के आने से पहले पहले अपने सेहत को गनीमत समझो बीमारी सेहत के ज़माने में आदमी अपनी सेहत का अहतमाम नहीं बचा की हफाजत की तरफ तोज् नहीं देते जब बीमारी आती है तो फिर सेहत की फ़िक्र करने लगता है और इसी तरह से वगैना का कबल फक्र अपनी तवंगरी को अपनी गुर्बत से पहले गनीमत समझो अल्लाह ने कुछ माल दौलत दिया है तो उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो अपने ऊपर खर्च करो जितना खर्च करो अल्लाह ताली मजीद देगा वो फिको मिन फो खिले फ़ो फराग काबल शगल के का अपनी फरागत को अपनी मशगोलीत से पहले गनीमत समझो व हयात काबल मौत के का अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले तो बुढ़ापा बीमारी गुरबत मशगोलीत मौत इंसान के लिए फितना बन सकती है ये सारी चीज़ें फितना बन सकती हैं इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी के मरहलें में तंदुरुस्ती के वक्त तो के वक्त फरागत के वक्त ज़िंदगी को गनीमत समझ कर उनसे भरपूर फ़ायदा उठाने का हुक्म दिया और फितने जब आते हैं तो आदमी को अमल करने का मौका नहीं मिलता फितनों के जमाने में आदमी मसरूफ हो जाता है इसलिए पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया बादीरु बिल अमली फितनान ककितल लैल अल मुजलिम يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيعدينه بعرض من الدنيا قليل तुम छः चीज़ों के आने से पहले जल्दी जल्दी अमल कर लो अहमक लोगों की हुक्मरानी पुलिस की कसरत कतारहमी कता सिला फ़ैसले को रिश्वत के बदले में बेचना खून बहाने को हल्का समझना तो ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों एक और रिवायत में प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छह चीज़ों के आने से पहले जल्दी जल्दी अमल कर लो अहमल अहमक लोगों की हुक्मरानी पुलिस की कसरत रहमी फ़ैसले को रिश्वत के बदले में बेचना खून बहाने को हल्का समझना ऐसे नोखिस बच्चों का आना जो क़ुरान मजीद को राग के अंदाज में पढ़ेंगे लोग उनमें से एक को इसलिए इमाम नहीं बनाएंगे कि वो सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे बड़ा आलिम होगा बल्कि इसलिए कि उनके सामने कुरान को गा कर तो बहरहाल फितनों के वाक़ होने से पहले जल्दी जल्दी अमल करने का पैर नबी सासन ने हुम दिया है जिससे मालूम होता है कि फ़ारिग अवकात को नफा बख शमूर में मशगूल करने से इंसान फितनों के शर से बच सकता है आखिरी बात हमारे इस दर्स की आज के इस दरस की यह है कि फितने के ज़माने में आदमी सब्र से काम ले पैर नबी सल्सम ने मुख्तलिफ आजमाइश और फितनों को सबर और तहमल के साथ बर्दाश्त करने नीत इस्तलाल मिजाज और सबित कदमी के साथ इस्तकामत का मुजाहरा करने का हमें हुकम दिया है वालम अन नसर मासबर व अनफर्ज माल कबर व अन माल उसरा यकीन कर को मदद सबर के साथ आती है हर परेशानी के बाद खुशहाली यकीनी है हर तंगी आसानी और आसूदगी को लाती है इसी तरह आपने फरमाया नमिन वायख मैया मबर लिलमतमस्बीमान तुम आले अजरुमसन अमिन खुम तुम्हारे बाद सबर के अयाम आने वाले हैं उनमें से जो शख्स इस दिन को मजबूती से थामे रखेगा जिस पर तुम क़ायम हो तो उसे तुम में से पचास आदमी का अजर मिलेगा एक रिवायत में कि साहब कराम ने पूछा कि क्या ला के नबी उस ज़माने के पचास लोगों का अजर उसको मिलेगा या हम हम, आ, हम जैसे साहबा के में से पचास आदमियों को कहा बलमिन कम तो पचास सहाबा के अमल का फितने के ज़माने में अगर कोई किताब सुन्नत पर क़ायम है तो बहुत बड़ी चीज़ फितने के दौर में इख्तियार की जाने वाली दो अहम तदबीरों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है एक अहम तदबीर मुनाफिकों की साजिशों से हमें हमेशा खबरदार रहना चाहिए मुसलमानों के दरमियान ये इस्लाम का लिबादा उड़ कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुख्तफ़ के साजिशों में ये मुल होते हैं उनका मकसद इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना होता है मुसलमानों की कवत का शेराज़ा बिखरना होता है बखेरना होता है उनमें फूट डालना होता है ये लोग हर आए दिन कोई ना कोई नया फितना खड़ा कर देते हैं और मुस्लिम ममालिक में इन औरत इंतशार यानियत, जद्दत पसंदी रोशन ख्याली के नाम पर लाकानूनीत और फसाद फैलाने की मज़मूम कोशिश करते हैं तो इनके फितनों से आगा रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ फितनों के ज़माने में जल्दबाजी से इजतनाब और परहेज़ करना चाहिए फितनों से महफूज रहने का एक अहम असूल ये भी है कि दीनी मामला में समझदारी या सोच विचार का रवैया इख्तियार किया जाए कोई भी कदम उठाते वक्त अंजाम पर नज़र होनी चाहिए संजीदगी और समझदारी और बरकत का सबब होती है इसके बरक्स जल्दबाजी से एतराज किया जाना चाहिए परहेज़ करना चाहिए मामला में जल्दबाजी का मुजाहरा करने वाला हमेशा नदामत और शर्मसारी से दोषार होता है प्यारे नबी अलैहि वसल्लम का एक फरमान है हजरत सहल के सदीस के रवी हैं जाम तिरमीज़ी की रवायत है अनाअु मीन तुजलतु मीना शैतान मामला की संजीदगी अल्लाह की तरफ़ से होती है मामला में हमेशा संजीदा रह कर सोचना चाहिए जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है और दिनी मामला में जज्बाती अंदाज इख्तियार करना फितनों को दावत देना एक साहिब अकल सलीमालफर इंसान को चाहिए कि हर काम को करने से पहले उसके अंजाम और इंतहा पर संजीदी से गौर करें जल्दबाजी से किनारा कश रहे हमेशा भयानक और खतर जल्दबाजी का अंजाम हमेशा भयानक और ख़रनाक हुआ करता है फितनों के शर से बचने के लिए हमें हमेशा जल्दबाजी से बचें सब्र तहमल से काम लें बुरदबारी और ठहराव इस्तलाल मिजाजी सब्र और संजीदी से काम लें इसबाब और अवामिल पर नतज पर गौर वफिक्र करें खूब सोचें सायुर राय अच्छी राय रखने वाले अकल रखने वालों से मशवरा ज़रूर करें अगर मुल्क और कौमी सतह पर कोई आजमाइश आ रही आ रही है या आ चुकी है तो अरबा अकतदार को मौजों इकदाम एकदा, उठाने की तरगीब दिलाएं उनके सामने किसी किस्म की रुकावट खड़ी करने के बजाय उनके दस्तोबाजू बने अफवाहों पर यकीन न करें हर खबर के सही जराए से आने के बाद ही तस्दीक करें अफवाहें फैलाना झूठी खबरें आम करना मुनाफिकों के रविश है सच्चे ममिनों का ये रवैया और किरदार नहीं है एक खालस मुसलमान का किरदार तो ये होता है कि जब भी कोई ख़बर उसके सामने आती है तो उसकी तहकीक के बगैर उसको आम नहीं करता उसके उसको नशर नहीं करता तो इसलिए मेरे भाइयों ये थे कुछ उसूल जो हमें फितनों से बचने के राह में मुमद साबित हो सकते हैं अगला हमारा दर्स इन शताबल्फतान सही बखारी की किताबलफ़तान की शरा का कल जिंदगी बाकी रहे तो कल से हमारा ये दर्स शुरू होगा उसमें इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया है बाब माजा अफीकल् तकूफ़ित्ल तुसीबीनकुम खासा वालम्ला शदीद अक्काब इस बाब के तहत उमा खाननबी सल्लामिनफ़तान इस बाप की वजाहत की जाएगी फिर इस बाब के ज़िमन में इमाम बखारी जो अहदिस पेश किए उन अहदिस में से जितने अहदिस का मुमकिन हो सकेगा हम शराह करने की कोशिश करते हैं अल्लाह से तोफ़ी मांगते हैं मुहम्मद अल्ला महमद अल्ला नबीन महमद वाल आल महमद कम सल तब्राहीम उल आल इब्राहिम इन्नक हमीदम मजीद सुबहानल्लाब हमदक अशदालांत अस्तफ़िर वतुब उलैख